ready to go. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to Mina Sohail's vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. So we are ready फिर से शॉपिंग पे जाने के लिए. सुबह सुबह बस आज अम्मी भी रेडी हो गई है, अम्मी ने भी जाना है साथ में, कुछ ही शॉपिंग करनी है. और मैंने कल ड्रेस ली थी, सोचा था घर आके आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो ड्रेस उनका ट्राई रूम नहीं था यहाँ पे और साइज़ ठीक नहीं है. अब देखते हैं, अगर उसमें मुझे साइज़ ठीक से मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कुछ और देखना है. मानिए आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? नीचे करो जेब जेब बोलिए. चलो नानू आ गई हैं. और ये यहाँ पे है जिना टाउन फूड पॉइंट पे काबुल जान. इनका बारबेक्यू जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है बीफ एंड मटन का. तो ये अभी यहाँ से ना कोई रश है यहाँ पे इस पे, ये दूर दूर तक ना गाड़ियाँ खड़ी ही नहीं है. तो हमने भी दूर गाड़ी पार्क की है, फैसल ने पहले ऑर्डर दे दिया था, फिर रिसीव करने गए. मैं आपको यहाँ से जाते हुए दिखाऊंगी कि इस पर रश कितना है. देखें इसके सामने गाड़ियों का लाइन लगी हुई है, सारी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक की हुई है. अफगानी बीफ बोटी और ये है अफगानी कीमा बोटी. बहुत ही जूसी है, बहुत ही मज़े का. ये साथ साथ यहाँ पे मान के जो है वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस पर जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रही है. वैसे तो बुक्स भी हैं जिस पे वो राइटिंग करता रहता है, लेकिन वाइट बोर्ड पे उसको अच्छा लगता है कि वो इजीली जो है वो अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसको रब कर ले. तो कलर्ड मार्कर्स भी ले दिए हैं. आजकल चूँकि मैं घर पर होती हूँ तो उसकी ये वाली प्रैक्टिस भी चल रही है. शुरू से ये नेक्स्ट डे हो गया था और इसके अगले दिन हमें निकलना था. रात हम अपने बाबा के साथ डिनर पे आए हुए थे. तो ये तब की क्लिप था. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिना सोहेल्स ब्लॉग. हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ईद की तैयारियां चल रही होंगी मज़े से. बहुत रश होता है इन दिनों रोड्स पे. मैंने भी कुछ इंस्टा पे रील्स बनाई थी जब तैयारियां चल रही थी और एक ब्लॉग में भी दिखाया हुआ था. अभी हमारी क्वेटा से जो है वो एंडिंग हो गई है और हम क्वेटा से आगे रवाना हो गए हैं. मतलब मेरे पेरेंट्स से मिल चुके हैं तो अभी फैसल के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं. ईद हम जो है वो वहाँ करते हैं.
अभी हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज हम थोड़ा लेट निकले थे कि आराम आराम से जाएंगे, तो बस आगे निकलते हैं। इस टाइम हम किला सैफुल्ला में हैं। फैसल ने थोड़ी ब्रेक लगाई है कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए। ये दोनों बाप बेटे जो है वो आ रहे हैं। चलो माना, चलो चलो चलो, मान दे रहे। कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे लिए फैसल ठंडा ठंडा जो है वो मिल्क शेक लेके आए हैं, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने ये पता नहीं जामे शीरिन की उठा ली हुई है। ये जब हम ज़ोब बाईपास पे पहुँचे सिटी क्रॉस करके, तो मुझे ये कार नज़र आई जिस पे उन्होंने पता नहीं ये क्या बनाया हुआ था और इतने सारे स्कूल बैग्स लगे हुए थे। नॉर्मली मैंने ऐसे नहीं देखा हुआ। ये जो है हम ज़ोब बाईपास पे आ गए थे सिटी क्रॉस करके। सिटी की हालत थोड़ी कंजस्टेड है क्योंकि वो जो मोहल्ले और सारे मार्केट से वहाँ से गुजर के आना होता है। मेन इनका बाईपास अभी नहीं बना हुआ। ये अभी जब मेन रोड पे आ जाते हैं तो ये आप देखें यहाँ जो है वो रोड फिर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। बलूचिस्तान में है और ये जो आपको सामने ये ब्रिज नज़र आ रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान है और एक तरफ पंजाब है। ये जब मैं बचपन में आती थी तो बाबा मेरे यहाँ पे हमेशा कार रोकते थे। और नीचे जो है सारा पानी है, पता नहीं नीचे पानी है। बहुत ही प्यारी जगह है ये, ये सारा नीचे पानी जा रहा है, ये देखें ज़रा, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब तक की तो हमारी जर्नी बड़े मज़े की जा रही है और पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। हाँ गिरा दो। वेलकम बैक। इस बार जो हम जा रहे हैं हमने चेंज रूट लिया है। हमेशा हम फोर्ट मंडू के रास्ते से जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि फोर्ट मंडू से पंजाब से आते हैं तो उस तरफ से जो स्टील ब्रिजेस बनी है वहाँ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बलूचिस्तान की तरफ उतरने लगते हैं तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो डिस्टेंस कम है उसका लेकिन रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो इस बार हम ये ज़ोब के रास्ते से आए हैं। इधर मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, मैं और फैसल भी एक दफ़ा ट्रैवल कर चुके हैं। अब तक का तो सफ़र बहुत ही मज़े का जा रहा है। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, अभी जहाँ हम खड़े हैं सारे ये पीछे पहाड़ और नीचे मैंने उतर कर दिखाया भी था कि वो इतना प्यारा जो है नदी है वहाँ पे। रोड से काफ़ी ऊपर है इसलिए नीचे नहीं जा सकते। और ये जो बीच में ब्रिज बना हुआ है ये यहाँ पे बलूचिस्तान एंड हो जाता है। तो हम यहीं पे रुके हैं, थोड़ी हमने रिफ़्रेशमेंट की है, अभी ये खाना वाना भी खा रहे हैं
और फिर आगे जाते हैं। आगे का जो सफ़र है वो रोड की ना उन्होंने कटिंग की हुई है, मैं अभी यहाँ से गुजरते हुए आपको दिखाऊंगी। तो गाड़ियाँ बिल्कुल उसके नीचे से जाती हैं, बारिश बारिश हो तो जाहिर है ऊपर से पत्थर गिरेंगे, लैंड स्लाइडिंग होगी। हाय मान, हाय बुजी। तो रिफ्रेशमेंट हो गई है, फैसल मतलब ये कोल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बस चलते हैं। ये काम शाम भी चल रहा है। जब मैं पहले बचपन में आती थी तब ये ब्रिज छोटा होता था, अभी बढ़ गया है। अभी मैं आके आपको दिखाती हूँ कि रोड पहाड़ों की कैसे कटिंग की हुई है। ये देखें, ये वैसे तो ठीक है लेकिन जब बारिशें बारिशें होती हैं ये इस तरह से, फिर ये रोड जो है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। वैसे रोड की हालत आप देखिए, रोड की हालत ठीक है लेकिन व्यू बहुत मज़े का। ये देखिए ऊपर लोगों के लिए ये इस तरह से ब्रिज भी बना हुआ है। और यहाँ मैं हिम्मत करके उतर तो गई लेकिन आगे जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप्स थे, लोग पता नहीं कैसे चले जाते हैं पिक्चर्स में, और वैसे दूर से तो बहुत कंफर्टेबल लगता है लेकिन सामने जाने के लिए अच्छी खासी हिम्मत चाहिए होती है। प्लस पीछे मान मुझे ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था कि मम्मा आगे नहीं जाएँ आगे नहीं जाएँ, और मुझे था कि फैसल जल्दी से मेरा व्लॉग बना लो और साथ में इंस्टा की रील भी बना लो। तो फैसल को भी डर लग रहा था, उन्होंने भी ठीक से जो है वो व्लॉग शूट नहीं किया। तो थोड़ा मैं हिम्मत करके आगे चली गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा स्केरी था ये। इतना प्यारा व्यू है, इधर से भी पानी है और ये व्यू देखे। अभी ना रेड पहाड़ शुरू हो गए, रेड पहाड़ है। सफ़र में अभी जाके ना थोड़ी सी जगह ख़राब आई है, और यहाँ की जो मिट्टी है ना, इनकेस अगर यहाँ बारिश होती है तो ये मिट्टी बहुत बहुत स्लिप हो जाती है। ये स्लाइडिंग का भी खतरा होता है, रेड कलर की मिट्टी है बहुत स्लिप होती है। अभी डस्ट इतनी उड़ रही है कि सारे हम शीशे भी नहीं खोल सकते। और ये देखेंगे कब से हमारे साथ 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 जा रही है। हेलो जी, वेलकम बैक। सफ़र एंडेड और हम पहुंच गए हैं।
इस बार हमने डिफरेंट रूट लिया था, मैंने आपको रास्ते में भी दिखाया लास्ट टाइम जब हम आए थे. सो फ्रॉम क्वेटा, फिर वो मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, लोलाई, फिर फोर्ट मंडरू, फोर्ट मंडरू से उतर के फिर सखी सर्वर, तब हम आए थे. लेकिन मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया हुआ था कि फ्रॉम पंजाब टूवर्ड्स बलूचिस्तान जो फोर्ट मंडरू का रास्ता है फ्रॉम पंजाब स्टार्टिंग, वो बहुत अच्छा था. लेकिन जब पीक पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब उतरने लगते हैं तो वो बहुत ही कोई सड़कें थी नहीं, मतलब बिल्कुल भी सड़कें नहीं थी. तो इस बार फिर हम मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और उससे आगे हम ज़ोब के रास्ते से आए और बहुत ही प्यारा रास्ता था. पहले ये रास्ता बन रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इस बार तो कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी थी. बहुत छोटे छोटे बीच में कुछ पैचेस थे, अदरवाइज़ रूट बहुत ही अच्छा था. और बंदा अगर टाइम से निकलता है तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पिकनिक पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, वहाँ पर भी स्टे कर सकता है. हम लेट निकले थे, अगर वहाँ रुक जाते तो आगे फिर बहुत ही रात हो जाती और रात में फिर ड्राइव करना मुश्किल होता है. अच्छा, वो जो रूट था उसमें एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पर नॉर्मली जो कोचेज़ हैं और ट्रक्स वो उस रास्ते से जाते हैं, तो वहाँ पे ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल होती है. तो यहाँ पे ट्रक्स और कोचेस भी हमें इतनी नहीं मिली, तो जो लाइट्स पड़ती हैं और स्पेशली ट्रक्स को बार बार ओवरटेक करना, तो वो भी बहुत डेंजरस होता है. तो ये रूट हमें बहुत ही मज़े का लगा, अच्छा था, बहुत अच्छा था. तो एज़ आई टोल्ड यू कि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगी आई विल शेयर विद यू गाइज, चूँकि हमारी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो जो जो रूट हम लेते हैं, जिस रूट में जो भी प्रॉब्लम होगी और जो फैसिलिटीज़ होंगी वो सब मैं आपको बताऊँगी. तो एक दफ़ा हम पंजाब जो है वो कराची वाले रास्ते से आए थे जिसमें मोटरवे वाला रास्ता था, फिर हम जो है वो लोलाई वाले रास्ते से आए और ये भी थर्ड रास्ता ज़ोब वाले रास्ते से आए. तो खैर ये था हमारा जो है वो जर्नी घर आने की, फैसल के पेरेंट्स से मिलने की या ईद गुजारने की. आगे के व्लॉग्स में ईद की तैयारियां और ईद ये सारी चीज़ें आपसे आपको दिखाएंगे. तो दिस वाज माय मिनी व्लॉग, होप सो यू लाइक इट. लाइक करते हैं तो वहाँ लाइक दबा भी दिया करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं, लाइक्स नहीं आती हैं. समझ नहीं आता, व्यूज़ आती हैं लेकिन लाइक्स नहीं आती, ये चीज़ थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है. तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और इंस्टा पे मेरा अकाउंट है मीना सुहेल, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.